आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। अगर आप हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे UPI ID के माध्यम से कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट या फिर आप कह लीजिए बुलेट ट्रेन परियोजना का अपडेट देखेंगे। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना जो कि महाराष्ट्र के मुंबई से गुजरात के अहमदाबाद के बीच लगभग 508 किलोमीटर लंबा बनाया जा रहा है। इन 508 किलोमीटर में से 465 किलोमीटर का वायाडक्ट बनाया जा रहा है, 5 किलोमीटर माउंटेन टनल बनाई जा रही है, जबकि 21 किलोमीटर का अंडरग्राउंड टनल बनाया जा रहा है। इस परियोजना में मुंबई से अहमदाबाद तक 12 स्टेशन, 8 मेंटेनेंस डिपो, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 3 रोलिंग स्टॉक डिपोट और एक मल्टी मॉडल हब बनाया जा रहा है। मल्टी मॉडल हब साबरमती में बनकर कंप्लीट है। आप देख सकते हैं कि मल्टी मॉडल हब को कितनी खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। यहाँ पे आपको बिजनेस स्पेस से लेके पार्किंग तक की सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। इन दोनों शहरों के बीच 12 स्टेशन में से 4 स्टेशन महाराष्ट्र में बनाए जा रहे हैं, जबकि 8 स्टेशन गुजरात में बनाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, थाने स्टेशन, विरार स्टेशन और महाराष्ट्र का अंतिम स्टेशन बोईसर स्टेशन बनाया जा रहा है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बोईसर स्टेशन का प्रोग्रेस अपडेट देखेंगे। बोईसर महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि इंडस्ट्री हब के रूप में जाना जाता है। इस बुलेट ट्रेन स्टेशन को बोईसर के ईस्ट में मान विलेज के पास बनाया जा रहा है। ये स्टेशन पैकेज नंबर C3 के अंतर्गत बनाया जा रहा है, जिसपे LNT कंपनी काम कर रही है। इस स्टेशन का हाइट 22 मीटर रहेगा, जिसपे 2 प्लेटफॉर्म और 2 ही ट्रैक बनाए जाएंगे और यहाँ पे आपको व्हीकल पार्किंग की फैसिलिटी भी मिलने वाली है। आप ग्राफिकल फोटो के माध्यम से देख सकते हैं कि ये स्टेशन बनकर कंप्लीट होने के बाद कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। इस स्टेशन का अपडेट हमने 2 महीने पहले भी देखा था, जिसमें आप देख सकते हैं अलाइनमेंट को क्लीन कर रखा था, जबकि स्टेशन वाले कुछ हिस्से में पियर के फाउंडेशन के लिए एक्सेवेशन कर रखा था। और अब भी आप देख सकते हैं कि आपको काफी कुछ प्रोग्रेस होता हुआ यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे काफी सारे पियर फाउंडेशन के लिए एक्सेवेशन कर रखा है, जिसमें बारिश के चलते अभी पानी भरा हुआ है, जबकि कुछ पियर पे फाउंडेशन का काम कंप्लीट करके पियर का काम किया जा रहा है और कुछ जगह पे डीवाटरिंग का काम किया जा रहा है, जिससे कि जल्दी से यहाँ पे फाउंडेशन का काम किया जाए। आप देख सकते हैं कि इन 5 पियर पे फाउंडेशन का काम कंप्लीट करके पियर का काम किया जा रहा है, जिसमें टीम काम करती हुई आपको दिखाई दे रही है, जबकि इसके पास में ही डीवाटरिंग का काम किया जा रहा है, जिससे कि ये पानी बाहर निकाल के जल्द से जल्द इसमें फाउंडेशन का काम स्टार्ट किया जा सके। फाउंडेशन के लिए स्टील केज रिबार यार्ड में बनकर कंप्लीट है। इन केज को क्रेन की मदद से उठा के एक्सेवेशन वाले हिस्से में रखा जाएगा और फिर इसमें कंक्रीट भर दिया जाएगा। इस स्टेशन के दोनों साइड पे अप्रोच रोड का निर्माण भी किया जा रहा है, जिन पे अभी बोल्डर और एग्रीकेट डाला गया है, जिससे कि हेवी मशीनरी का मूवमेंट आसानी से हो सके। इस साइड पे स्टील यार्ड है, जहाँ पे स्टील का कटिंग और बेंडिंग का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन के लिए केज पहले से ही यहाँ पे तैयार कर लिए गए हैं, जबकि इस साइड पे लेबर कैंप और LNT का ऑफिस बनाया गया है। इस स्टेशन से मुंबई की तरफ चलेंगे तो आपको 3 बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं, जिनको डीमोलिश करना अभी बाकी है। आप
आगे कुछ दूरी पे बोईसर लिंक रोड क्रॉस हो रहे हैं। इस रोड के दोनों साइड पे पियर के लिए एक्सेवेशन कर रखा है, जबकि इस साइड वाले पियर पे फाउंडेशन का काम भी स्टार्ट होता हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ से आगे आपको अलाइनमेंट क्लीन होता हुआ दिखेगा, जबकि अभी कोई भी वर्क प्रोग्रेस यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। लास्ट अपडेट के जैसे वैसा का वैसा ही ये अलाइनमेंट पड़ा हुआ है। अगर हम इस स्टेशन से गुजरात की साइड की बात करें, ये स्टेशन का लास्ट पियर है और इसके आगे आपको कुछ भी काम होता हुआ नहीं दिखाई देगा सिवाय अलाइनमेंट क्लीनिंग। आगे मेंटेनेंस रिपोर्ट भी बनने वाला है, जिसका अलाइनमेंट क्लीनिंग का काम कंप्लीट कर लिया है, जो कि लास्ट अपडेट में भी क्लीन किया हुआ दिखाई दिया था। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। जय हिंद।